हाय गाइस वेलकम टू की यहाँ पे नोनू की मम्मी का मूड नहीं लग रहा है आज ब्लॉग बनाने का, आगे भी नहीं बैठी है। क्या हुआ है नोनू, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? नोनू ही बताइए, बता दे नहीं बता सकते भाई, विवाद हो जाएंगे। अभी हम हाईवे पे हैं, जब आगे पहुंचेंगे आपको बता देंगे, ठीक है? Hey guys, welcome to our channel, Dhondial Sisters. भदोली हमारे मामा का गांव है जहाँ हम जा रहे हैं, और हमारी मेरी जो बहन है ढोंडियाल सिस्टर दूसरी, वो वहाँ पे गई हुई है नानी नानू के साथ, और आज हम उसको सरप्राइज दे रहे हैं उधर जाके। उसको पता नहीं है कि हम आ रहे हैं, उसको सिर्फ इतना पता है कि मामा और पापा आ रहे हैं और मम्मा और मैं एकदम से जा रहे हैं। हमारा एकदम से प्लान बनता है, हम एकदम से जाते हैं, ठीक है? और सुबह सुबह जब मामा ने वीडियो बनाई थी हमारा मूड खराब था। वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, वो मम्मी बताना चाहेगी। मम्मी किसकी वजह से था? मूड खराब होने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है नियति ढोंडिया। नियति ढोंडिया पर्टिकुलर है, कोई एक ही चीज को वियर करती रहेगी, चेंज नहीं चाहती लाइफ में। मैं एक चीज पे स्टिक रहना चाहती, ठीक है? मैं इतना एकदम सराउंडिंग के साथ हैबिटेट अपनी चेंज नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और वो टाइम इतना होता है कि दूसरा फ्रस्ट्रेट होके फूट पड़ता है। कितनी ड्रेसेस ट्राई करी हैं? मैक्सिमम 6-7। हे गाइस, तो अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मामा को आ रही है अंगड़ाई क्योंकि मामा नहीं सोया हुआ, और हमें पूरी रात 1 घंटे सोया बस। अब सो भी गए? पता ही नहीं है। अरे तो, यहाँ नहीं, घर पे 1 घंटे सोया। क्यों, आप क्या कर रहे थे? बहुत बढ़िया, तो हमने बहुत मजे लिए हैं गाड़ी जाना में। एक जगह आप क्या करने वाले ब्रेकफास्ट में? आपको जो मिलेगा वही खाओगे? आप कचर बचर तो खा के आ गए? कचर बचर क्या खाया आपने? कुरकुरे खाए, ब्रिटानिया केक खाया, एगलेस। बहुत ज़्यादा खाने लग गया मामा, ठीक है? मामा का पेट तभी निकलने लग गया मेरे को। नहीं निकल रहा गाइस, निकल रहा है मामा। मामा की बॉडी है नहीं है, जो लाइन नहीं है लेकिन। ए यार, तो मामा की, तो मामा की जब देखो बेइज्जती हो जाती है, तो मामा को हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब हम चलते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग कोटद्वार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमें घर के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लेना है, वो हम शॉपिंग करेंगे। मार्केट का भी घूमते तो आपको भी दिखाते, और बाकी अभी हमने पंजाबी ढाबा करके यहाँ पे कोटद्वार से थोड़ा सा ही पहले है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करा, बहुत मजेदार ब्रेकफास्ट है, आप भी ट्राई करना। और क्या नाम था उसका? खैरा करके है पंजाबी ढाबा, बहुत अच्छा है, टेस्टी खाना था। पराठे का सैंडविच, ग्रिल सैंडविच लिए, चाय भी बहुत अच्छी थी, और ये भी बहुत अच्छा था। दोनों को तो वहाँ का सॉस भी अच्छा लगा। हाँ, मुझे बटर भी अच्छा लगा, चटनी भी ठीक थी, बटर लेकिन अमूल का था। वीडियो बन रही है। सोनियती कितनी खुश हो रही है ना। क्या बोल रहे थे आप? अच्छे लग रहे नियति। हेलो
गाइस वो देखो पहाड़ पहुंच नहीं वाले। गिया 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 का तेरे से चौबीस घंटे गिया खाइए ना। नहीं नहीं बस उतना बचा। क्यों नहीं नहीं क्यों नहीं दोस्तों ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए। ना पचास का दाल बार्गेनिंग चलती हुई टमाटर आलू और देंगे और भैया के आलू जैसे हैं। Hey guys, तो अभी हम आ गए। Hey guys, तो अब हम अभी आए सब्जी लेने। तो हम पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सब्जियाँ कैसे मतलब जैसे होती हैं सब्जी वैसी सब्जियाँ, लेकिन हम ले सब्जी ले। हमारी मम्मी सब्जी लेते हुए और ये मामा यहाँ पे इरिटेट करते हैं। सब्जी यहाँ है ऐसे सब्जी देख लो। यहाँ पे सब्जी ली जा रही है। ये वापस देते हैं आप यहाँ से जहाँ से हम आ जाओ। सब्जी कैसी है व्लॉगिंग कर रहे हैं। शट अप गेट आउट गेट आउट यू गेट आउट। कितने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं हमारे। जाएंगे भी जाएंगे अभी बस कोटद्वार में बस सब्जी ले रहे हैं। सतपुली में सब्जी नहीं मिलती हाँ तो फिर सतपुली से क्यों नहीं ली। अच्छा तो यहाँ पर फ्रेश सब्जी है। तो हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार से आगे और अभी हमने सिद्धवली क्रॉस कर लिया है। आपको सिद्धवली के दर्शन कराते हैं। ये देखिए ये है सिद्धवली मंदिर और अब हम आगे की ओर निकल चुके हैं क्योंकि हमें लेट हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। धानी को सरप्राइज देना है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि धानी कैसा फील करेगी। उसको पता है उसको नहीं पता है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग उसके पास आ रहे हैं और वो शायद थोड़ी सी उदास भी है। उसको अब थोड़ी थोड़ी याद भी आ रही है हम लोगों की। तो चलते हैं धप्पा करेंगे उसको धप्पा करेंगे। गाइस देख लो सिद्धवली जी का मंदिर। और हम ये पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और हम यहाँ पे अब वीडियोस बनाएंगे मौज करेंगे मौज। अभी घर पहुँचने में हमको लगभग 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। हम लोगों ने बहुत सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स खरीदे हैं घर के लिए और भुट्टा भी खरीदा है। तो देखेंगे वो हम उसको उबाल के खाते हैं या खा के खाते हैं। दिल्ली में होता तो अभी तक उबल जाते हैं अपने आप ही बॉयल हो जाते हैं। तो हम आगे मिलते हैं। बाय बाय। कुछ नहीं मजे आ गए सरप्राइज। कहाँ लगी कोई कैसे सूझा ओ
ये हे बहने चेरी कहाँ जा लेकिन इसका हाथ कैसे सूजा? अरे ये तो ये नहीं काट दिया जो तेरे काट था यार। पापा को पता था? हाँ। नहीं पता था। नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब नहीं। पर मैंने बोला सरप्राइज तेरे को 1 बजे गांव पे जा रहे हैं। 1 बजे मैंने कहा सुबह समोसे मंगाए होंगे। किसी का मुंह में पता नहीं है मामा यहाँ पे। बेटा मेरे को पता है कौन है, तेरी मौसी है ना। मौसी के मुंह में पता नहीं क्या रहता है। तो देखो हम भदुली पहुँच गए हैं और इस वक्त इतनी तेज धूप है और ये मेरी डुगू, ये डुगू और डुगू की मम्मो डुगू आ गई है ना। चलो चलो सामान निकालो।